लखनपुर एक निर्जन गांव था। उस गांव में सब लोग बहुत भोले थे। लखनपुर गांव का सरपंच संग्राम सिंह उस गांव के लोगों का भोलापन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। लखनपुर में आदित्य एक सरकारी डॉक्टर बनके आया। आदित्य हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तब एक आदमी आकर, नमस्ते डॉक्टर साहब, बोलिए आपका क्या समस्या है? आजकल बहुत थकान होती है डॉक्टर साहब, कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, हर वक्त सोते रहने का मन होता है। बहुत मेहनत करता था पहले, अब ऐसा सो जाऊंगा तो घर कैसे चलेगी सर? कुछ अच्छा दवाई है तो दीजिए सर। तब आदित्य उसको जांच करके, आपको दवाई लिखकर देता हूँ, हर रोज 2 बार इस्तेमाल कीजिए। आपका शरीर में खून कम है, उसका इलाज केवल दवाई से नहीं, अच्छा स्वस्थ भोजन खाने से होगा। 1 महीने तक हर रोज तरबूजा खाइए, नहीं तो उनका जूस पीजिए, आपका समस्या का हल हो जाएगा। तरबूज मतलब क्या है डॉक्टर साहब? तब आदित्य को 1 मिनट के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया। आपके गांव में जंगल और पहाड़ों के बीच में जहां पड़े वहां फुटबॉल्स जैसे उगे हुए हैं ना, हरे रंग में बड़े बड़े, वही है तरबूज। क्या मुझे आप वो जहरीला फल खाने के लिए बोल रहे हो? मुझे तो ये बात बताया ठीक है, मगर ये बात किसी को भी मत बोलना। उस सरपंच जी को इस बात के बारे में अगर पता चल गया तो वो आपको इस गांव से निकाल देते हैं। आप गांव में नए हो इसलिए ये बात बता रहा हूँ। चलता हूँ डॉक्टर साहब, नमस्ते, कहकर वहां से चला गया। आदित्य के पास जो भी दिखाने के लिए आते थे वो सब लोग एक ही समस्या बताने लगे, और उस गांव में तरबूज क्या होता है किसी को भी पता नहीं। आदित्य हैरान हो गया। तब आदित्य अपने असिस्टेंट रामू से, ये क्या है रामू, कुछ अजीब सा है, गांव भर में जहां भी देखो तरबूज ही तरबूज दिखाई देते हैं, गांव में किसी को भी तरबूज क्या होता है पता नहीं है, उसके ऊपर वो एक जहरीला फल है कहते हैं। हाँ सर, ये सब उस सरपंच संग्राम सिंह का षड्यंत्र है, वो तरबूज का व्यापार करता है। खेत में उगे हुए तरबूजों से भी ऐसे साधारण से उगे तरबूजों का कीमत बहुत ज्यादा है, और वो बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं, इसलिए गांव के लोगों को ये जहरीला फल है कहकर गलत बात फैलाया। सर यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं सर, इस गांव के वातावरण के हिसाब से इधर ऐसे तरबूज के अलावा और कोई फल नहीं उगते हैं सर, और इस गांव को बाहर का दुनिया से कोई संबंध नहीं है सर, इसलिए इधर का लोग कम खून का बीमारी से परेशान हो रहे हैं सर, लेकिन उस सरपंच के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। फिर तो मैं एक उपाय बताता हूँ, उसके हिसाब से करेंगे, लोगों को उस सरपंच से छुटकारा पाना है, कहकर आदित्य ने रामू के कान में कुछ कहा। हाँ वैसे ही करते हैं सर। अगले दिन एक स्वामी जी उनके शिष्य के साथ लखनपुर गांव में आया था। तब स्वामी जी के शिष्य, लखनपुर के गांव वाले, आपके लिए एक खुशखबरी है, आपका शरीर का दर्द मिटाकर खून बढ़ाकर आपको बिल्कुल तंदुरुस्त बनाने के लिए भोलेनाथ बाबा आ गए हैं, सब लोग आइए, इस मौके का फायदा पाइए, कहकर गांव भर घोषणा किया। तब लखनपुर गांव वासी सब भोलेनाथ बाबा का दर्शन के लिए आए। हर रोज मेरे पास आकर मैं जो देता हूँ वो अमृत पानी को लीजिए और एकदम तंदुरुस्त बन जाइए। तब स्वामी जी का शिष्य स्वामी जी के सामने जो है वो पंप को मारा, तब उस पंप में से लाल रंग का पानी निकला। वो देखकर सब लोग हैरान हो गए। भोलेनाथ बाबा जी का जय, स्वामी जी ने उनका तपस्या के शक्ति से धरती में जो पानी है उनको पवित्र बना दिया। भोलेनाथ बाबा जी का जय, भोलेनाथ बाबा जी का जय, भोलेनाथ बाबा जी का जय, कहकर वो पानी पीकर चले गए। ऐसे हर दिन लोग आकर स्वामी जी के दिए हुए पानी पीकर जाने लगे। एक महीना गुजर गया, गांव में सब लोग का सेहत एकदम ठीक हो गया। तब भोलेनाथ का ये सब मामले में संग्राम सिंह को कुछ शक लगा। तब बात क्या है उनके आदमियों से पता किया। तब वो गुस्से से रगड़ गया और सब लोगों के साथ संग्राम सिंह भोलेनाथ बाबा के पास आया। तब संग्राम सिंह गुस्से में, कौन सा उद्देश्य हमारे गांव के लोगों को धोखा दे रहे हो ये बताओ, हमारे गांव वाले सब लोग मासूम है, उनको तुम्हारे जैसे धोखेबाज बाबा से बचाना मेरा जिम्मेदारी है। लोगों, इस 1 महीने में आपका सेहत में कौन सा बदलाव आया है? तब लोगों में से एक, हम एकदम ठीक हो गए हैं बाबा, आपकी दया से हमारा पूरा समस्या खत्म हो गए हैं।
सुना है ना सरपंच जी, मेरे वजह से लोगों को अच्छा सेहत मिला है, अब धोखा कौन कर रहा है ये मैं बाहर रखता हूँ, कहकर उनका दाढ़ी और मूंछ निकाल दिया। आदित्य को देखकर सब लोग हैरान हो गए। आदित्य थोड़े दूर में लकड़ी का दरवाजे को हटाया और बोरिंग पंप के नीचे एक बड़ा सा तरबूज था और हाथ में जो पाइप है वो उस तरबूज को लगा हुआ था। सब लोग वो देखकर बहुत डर गए थे। आपको जो सेहत मिला है वो और किसी से नहीं, इतने दिन ये जहरीला फल कहकर आप जो गलत भ्रम में हैं, वो ये तरबूज का जूस से ही है, कहकर संग्राम सिंह का तरबूज का सब राज लोगों के सामने खोल दिया। संग्राम सिंह उधर से भागने के लिए कोशिश किया। सब लोग संग्राम सिंह को पकड़कर खूब पीटे, तब वो शर्मिंदा से गांव छोड़कर चला गया। लोग संग्राम सिंह से उनको बचाने के लिए आदित्य को बधाई दिए। उनके गांव में उगे हुए तरबूजों का आपूर्ति करके गांव भर उन पैसों को समांतर रूप में बांटने लगे और कुछ ही दिनों में लखनपुर के वासी सब लोग धनवान बन गए।